जी सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये थोड़ा ड्राइंग मैंने स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जिनका पर्सपेक्टिव बहुत वीक होता है सिटीस्केप में। तो मुझे चूँकि स्टूडेंट्स की जब मैसेजेस आते हैं और पूछते हैं कि सर ये कैसे बनाना है, तो अभी मैं चूँकि वाटर कलर स्टार्ट करने लगा था तो मैंने कहा चले छोटी सी ड्राइंग जो है ना मैं आपको ज़रा डिटेल्स बता दूँगा कि इसको कैसे हमने बनाया, हम पर्सपेक्टिव कैसे देखते हैं, पर्सपेक्टिव एंगल्स को हम कैसे स्टडी करते हैं। ये मैं इस बिल्डिंग पे आ रहा हूँ, ये वाली जो मैंने यहाँ पे बनाई है इस जगह। अब ये देखें, ये मैंने पेंसिल को जो है ना अपनी यूँ ये इस एंगल पे मैंने पेंसिल को रखा है। सो यू सी कि मैंने इसके बिल्कुल पैरेलल, इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल रखा है और अब मैं इसको ड्रा करूँगा पेपर के ऊपर। तो मैंने सेम लाइक ये एंगल इधर लिया है, ये दिस इज़ एग्जैक्टली सेम जो मैंने एंगल यहाँ पे देखे, सेम लाइक हम आगे चलते हैं बिल्डिंग के ऊपर। ये बिल्कुल स्ट्रेट है ये वाला, देखें। सो हम इसको एक स्ट्रेट ड्रा करते हैं ऑनवर्ड, जैसे नीचे की तरफ जा रहे हैं बिल्डिंग्स में। तो ये देखें, ये काल दो एक इफेक्ट जो है ना एंगल्स का, ये मैंने इसको एज इट इज ही रखा और मैंने ये लाइन ड्रा कर ली। सो हम नीचे आते चले जाएंगे, जैसे जैसे नीचे की तरफ बिल्डिंग आ रही है तो ये एंगल्स जो है ना, ये पर्सपेक्टिव इसका एंगल्स जो है ना यूँ एक वन पॉइंट पर्सपेक्टिव की तरफ जा रहा है। सो लाइक वाइज हम नीचे से भी देखते हैं, लाइक के दिस वन, ये जो एंगल है मैं आपको थोड़ा जूम करके बता दूँ, ऊपर वाला एंगल हमने ड्रा किया, नीचे वाला एंगल यूँ थोड़ा इस तरह से आ रहा है। सो हम इसको भी सेम लाइक उसी एंगल में मैंने पेंसिल रखनी है और इसको हम ड्रा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक डिफरेंस जो आ रहा है वो देखिएगा कि ये देखें, ऊपर वाली लाइन थोड़ी यूँ है। सपोज़ यू कैन से कि ये हमारे पास एक ज़ीरो डिग्री का एंगल ये वाला ज़ीरो है, दिस इज़ ये देखें दिस इज़ ये ज़ीरो एंगल है, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, फिर 1, 10, 20, 30 करते करते 180 तक। तो ये एक एंगल की स्टडी है जो हम एक जस्ट एक इमेजिन कर लेते हैं कि ये सपोज हम कहते हैं कि जी ये एंगल जो है वो 170 या 160 के अराउंड बोट आ रहा है। हम इसके ऊपर देखते हैं इसको, ज़रा ये देखें, तो ये हम कहते हैं कि ये एंगल जो है सपोज के जो 170, 160, तो सेम लाइक हम इसको ड्रा करने की कोशिश करते हैं इसके ऊपर आकर, उसी लाइन्स को हमने फॉलो करना होता है। आल दो ये जो लाइन्स हैं, ये जो खिड़कियाँ दरवाजे हैं, ये जो आप नज़र आ रहे हैं आपको, ये हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर ही होंगे। ये देखें, ये देखिएगा, ये 90 डिग्री के एंगल पे, ये सारी लाइन्स बिल्कुल स्ट्रेट, ये स्ट्रेट आ रही है लाइन्स। अब नीचे वाला एंगल थोड़ा देखें, ऊपर वाला तो यूँ है, नीचे थोड़ा जाते जाएंगे तो यूँ होता चला जा रहा है। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे रोड के ऊपर, ये वाला व्यू जो है हमें यूँ दिखाई दे रहा है इस तरह जाते हुए। अब हम एक और चीज़ भी समझेंगे, ये रिक्शा क्योंकि मेरे पास नज़र आ रहा है तो ये थोड़ा बड़ा है, सेम लाइक ये। अब ये थोड़ा दूर दूर है तो इस वजह से कहें कि हमें इसको थोड़ा छोटा बनाना है, बंदे भी छोटे बनेंगे दूर जो दिखाई दे रहे हैं हमें, ठीक है। पास जो बंदे आते चले जाएंगे वो बड़े होते चले जाएंगे, ये देखें। तो ये सेम लाइक जो है ना, वही हम इस ड्राइंग को इस तरीके से हम स्टडी करते हैं इसको, पर्सपेक्टिव एंगल्स जो हम देखते हैं एसिटी स्केल में। तो हमने इसको पेंसिल रख के ही देखना होता है, ये वाला यूँ जा रहा है तो ये वाला यूँ जा रहा है। तो ये सेम लाइक आपने पेंसिल की मदद से एंगल्स को स्टडी करना होता है।